मैं जहाज में आया तो मेरे साथ दो लड़के थे, दो लोग ऐसे थे जो जरा मतलब दीन पे इतने फॉलो नहीं थे। अब वापस आए थे तो वापस वापसी पे ना, अब जोहर असर जहाज में आ गई तो मैंने कहा, मैं कहा वजू करो, नमाज पढ़े। अब उनके लिए ये नई बात थी कि उन जहाज से नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा भाई जान उतर के ना पढ़ ले। अब गए हुए थे मेरे साथ तो मैंने कहा नमाज तो पढ़नी है। उन्होंने कहा नहीं उतर के पढ़ने को, वहाँ तो टाइम निकल जाएगा। कह रहे जी यहाँ तो पीछे तो लोग वो बार बनी हुई थी, वो बार में तो लोग वहाँ शराबें पी रहे हैं, गोरे थे जो, तो आप कह रहे हैं वहाँ नमाज पढ़नी है। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करेंगे, करना तो है। बड़ा उन्होंने ऐसे तिल मिलाहट की कि यार वजू नहीं होता अंदर, बाथरूम छोटे छोटे इन्हें की करिए, रहन दो किसी तरह कुछ। और मैंने कहा यार तुम आओ तो सही। कहते जी उन्होंने पढ़ नहीं देनी, उन्होंने कर नहीं देनी। बड़ा उन्होंने बेचारों ने तिल मिलाहट की। तो मैंने कहा तुम बेटा वजू करके आओ बाथरूम में, मैं वजू करने का तरीका बताता हूँ कैसे करो। वो करके वजू करके आ गए बाद ना खास। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहने लगा, एक बच्चा मुझे कहने लगा जो यंग सा लड़का था, मैं उसके 28 साल में, उन्होंने कहा भाई अजान तो नहीं देंगे कहीं आप? मैं कहा अजान तो देंगे। कहते जी ये देखो पीछे लोग की कर रहे हैं, वो ज़्यादा गोरे थे उसमें, मैं उनको बेचारों को नहीं पता। तो लेकिन तुम, मैं कहा तुम मेरा काम देखो मैं करता क्या हूँ, तुम मेरा काम तो भी इनका देखो मेरा भी देखो। अब मैंने वहाँ अंदर खड़े होकर जब अजान दी तो एकदम सब सिस्टम जाम हो गया। अजान, हदीस में आता है कि जब जहाँ अजान दी जाती है तो वहाँ से शैतान 40-40 मील दूर भाग जाता है। अजान ऐसी बड़ी ताकत है। जब मैंने अजान दी तो अंदर यकीन करो सिस्टम बिल्कुल जाम हो गया। और गोरी लड़की जो कि क्रिश्चियन थी, मुझे कहती है कि मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने उसे कहा नमाज, उन्होंने कहा डोंट वरी आई विल प्रोवाइड यू। उसने अंदर दो फटाफट कंबल लेके आई कि ये बिछाएं इस पर नमाज पढ़ें। और हमने जमात से नमाज पढ़ी वहाँ, जमात से। अब जब नमाजें पढ़ी, जोहर असर दोनों पढ़ी नमाजें, तो वो जब नमाज पढ़ ली तो कितने ही लोग आ गए। वो गोरी लड़की मेरे पास आ गई, वो जो वो कहती मैं क्रिश्चियन हूँ, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हूँ। तो मुझे कहने लगी यार तो बड़ा मज़ेदार काम किया, बड़ा मज़ा आ गया। वो इतनी मोहब्बत से पेश आने लग गई कि मुझे बार बार कहे कि यू नीड एनी थिंग, इतना मोहब्बत से प्यार से उनको प्यार आ गया। अगर हम अल्लाह के नबी वाला अमल करेंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देगा।